सतीश और आप देख रहे हैं एम एस बी ट्रैवल ब्लॉग्स। थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है और सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी पिछली लाइव की। जब मैं पिछली बार लाइव आया था यूट्यूब पे, थोड़ा सा एक बंदे ने कुछ गाली गलौज टाइप कर दी थी और मैंने समझा था कि वो किसी और ने करी है। मैंने सोचा था वो किसी विवेक कुमार ने करी है जबकि वो किसी और ने की थी। तो मैंने लाइव ख़त्म करने के बाद सारी चैट खंगाली और देखा उसमें वो किसी और ने की हुई थी, तो विवेक कुमार को एक्सट्रीमली सॉरी। और अब बात कर लेते हैं अपने आज के टूर की। तो आज है 30 दिसंबर और आज हम निकल रहे हैं अपनी 31 दिसंबर की पार्टी एन्जॉयमेंट के लिए। तो आज हम जाएंगे यहाँ से पिथौरागढ़ और कल पहुँचेंगे वहाँ से धारचूला। और आज भी मैं जा रहा हूँ मनोज और भुवनदा के संग, जिनके संग मैं पिछले बार के न्यू ईयर पार्टी के लिए गया था वृद्ध जागेश्वर। तो चलते हैं। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ भीमताल और मनोज और भुवनदा सुबह ही चले गए हैं 7 बजे। मैं निकला हूँ घर से 10:30 बजे, 10:15 बजे, 10:15 से 10:30 के बीच में निकला था। एक्चुअली उनका सुबह जल्दी जाने का प्रोग्राम था तो वो सुबह जल्दी चले गए। मैं फिर आराम से ही उठा, आराम से ही निकला पूरी तैयारी कर कर के। तो हम जा रहे हैं धानाचूली वाली रोड से, एक अल्मोड़ा से पड़ती है रोड, एक धानाचूली से पड़ती है। तो अभी जाते वक्त हम धानाचूली वाले से जा रहे हैं और वापसी में आएंगे अल्मोड़ा वाली से। तो ये पहुँचे हम भीमताल। तो यार इस रास्ते की खासियत ये है कि जैसे इस रास्ते में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो मैं बस एंटर ही किया हूँ, अभी काफ़ी लंबा है, ऐसी जंगली जंगल में छाया ही छाया में। धूप बहुत ही कम जगह है यहाँ पे, बहुत ही कम ऐसी छाया रहेगी, उसमें भी ठंडा हुआ रहता है। खैर मैं भी पूरी तैयारी करके आया हूँ पूरा पैक होके। ये एक ब्रिज आया है, नज़ारे मस्त हैं यहाँ को भी। तो ये अभी हम निकल रहे हैं पदमपुरी से, ये यहाँ नीचे नर्सरी वगैरह है शायद। अभी पहुँचा हूँ मैं धानाचूली। क्या नज़ारे हैं यहाँ पे यार, ओहो वो दूर हिमालय की रेंज भी दिख रही है, इसमें नहीं आएगी। तो यार यहाँ पे रुका हूँ मैं रास्ते में, ये पता नहीं कौन सी जगह है, खाना खा लेते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं दनिया करके कोई जगह है ये, उससे थोड़ा आगे हम रास्ते में यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा स्टॉप लिया है। मेरे संग मनोज भुवनदा, वही पिछले साल वाले 31st के लिए। इस बार जा रहे हैं धारचूला नारायण आश्रम, आज का स्टे रहेगा पिथौरागढ़ में। Coming down.
यार अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ये हमने पिथौरागढ़ में होटल लिया, श्री कृष्णा होटल, और यहीं पे खाने का इंतजाम है, तो वहीं पे नीचे हम जा रहे हैं। ऑलराइट, तो हम अभी हैं अपने पिथौरागढ़ वाले रूम पे। कल को हम यहाँ से बढ़ेंगे धारचूला के लिए, धारचूला से फिर बढ़ेंगे नारायण आश्रम के लिए। तो अभी मनोज और भोंदा खा रहे हैं नीचे खाना, मैं खा के आ गया हूँ, बस इसके बाद सोने की तैयारी करते हैं, कल निकलेंगे हम धारचूला के लिए। ऑलराइट, तो अभी हम हैं पिथौरागढ़ में और अब हम यहाँ से धारचूला को निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अंदर तैयारी चल रही है और यह है यहाँ से नज़ारा। तो ये चले हम पिथौरागढ़ से धारचूला नारायण आश्रम। तो यार ये नज़ारा है यहाँ से पिथौरागढ़ का, बड़ा ही सही लग रहा है, घाटी जैसी, उसमें नीचे मकान ही मकान बने हैं। बढ़ते हैं आगे को। तो मौसम हो रहा है ठंडा ठंडा और यहाँ को हिमालय की रेंज भी सही दिख रही है, अभी आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ को काफ़ी ब्लैक आइस जमी हुई है पाला, और इसमें गाड़ी फिसल भी रही है, सो आराम आराम से। ओहो, यहाँ पे क्या मंदिर जैसा आया है, बहुत ही सही, पहाड़ के अंदर को घुसा हुआ है बिल्कुल, क्या बात है। ये जमी है यहाँ पे ब्लैक आइस जबरदस्त। फिर यहाँ पर नेपाल की है, हम इधर इंडिया में, बीच में ये नदी है एक काली नदी शायद, ये रही। उधर वो नेपाल के खेत, घर मकान। ऑलराइट, तो ये यहाँ से है धारचूला 1 किलोमीटर अंदर, हमें जाना है नारायण आश्रम को, तो हम सीधे यहाँ से ऊपर को चलेंगे तवा घाट की तरफ को। तो ये चले हम नारायण आश्रम की तरफ। धारचूला मार्केट नीचे को थी, ये देखो आ गए फिर से धारचूला के खतरनाक वाले पहाड़। ऑलराइट, तो ये है काली नदी और सामने जो आप देख रहे हो पहाड़ी पूरी, सब टोटल ये नेपाल है, बहुत ही औसम नज़ारा। बढ़ते हैं आगे को। और ये देखो पिछले बार वाले झरने, क्या सही आ रहे हैं, बिल्कुल दूध सा सफेद पानी। It's leading me home. It's
पहुंचने वाले हैं नारायण आश्रम, थोड़ा ही रह गया है, शायद 1-2 किलोमीटर हो या 2-3 किलोमीटर। हमने नारायण आश्रम में KMBN का गेस्ट हाउस है, कुमाऊं मंडल विकास निगम वालों का, तो उसमें रूम बुक करा रखा है ऑनलाइन। तो बस 3 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, अब पहुँच ही जाते हैं थोड़ी देर में। 3 किलोमीटर पे हमारा गेस्ट हाउस है और वहीं से थोड़ा सा आगे नारायण आश्रम। नारायण आश्रम अब हम सुबह जाएंगे, फिलहाल गेस्ट हाउस चलते हैं, वहीं रेस्ट करेंगे। चलो यार पहुँच गए। ऑलराइट, तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पे नारायण आश्रम पे, जो कैम्बियन का गेस्ट हाउस है वहाँ पे। हम यहाँ पे पहुँचे थे लगभग 5:30 बजे और जहाँ पे हम रुके हैं ये एक हट है, कुछ इस तरीके का है। ये यहाँ पे फर्स्ट क्लास कुर्सियाँ लगी हैं, कुर्सियाँ भी हमने बाहर लगा रखी हैं, बाहर बॉनफायर कर रखा है। 5 बेड हैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास, और यहाँ पे हो रहा है हमारा बॉनफायर। सही मजे ले रहे हो? अंधेरा आ रहा है, सब आग तो आ रही होगी। चलो कोई नहीं। तो बस अभी टाइम हो रहा है 7 और हम लोग वहाँ पे आग वाग वगैरह सेक रहे हैं। इसके बाद खाना वाना खाएंगे लगभग 9-9:30 के आसपास, फिर होगा रात को 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर। It's coming down.